अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आलू को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। 6 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं मैंने। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। कुकर को बंद कर देंगे और 2-3 सीटी ले लेंगे आलू के गल जाने तक, जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1/4 किलो बेसन। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, जरा सी हल्दी, 1 खाने का सोडा और 1 सी हींग। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। बड़े बर्तन में मैंने बेसन को लिया है ताकि अच्छी तरह से इसको फेंट सके। थोड़ा पानी और जाएगा। तीन से चार मिनट तक इसको अच्छी तरह से फेंटना है, फिर हम देखेंगे इसमें थोड़ा और पानी ऐड करना है या नहीं। तीन से चार मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये बहुत गाढ़ा बैटर है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। फिर से जरा सा फेंटेंगे। बस अब इसे साइड में रख देंगे ढककर, जब तक हम आलू की तैयारी करेंगे। आलू यहाँ पर बॉईल हो गए हैं, इन्हें ठंडा करके हम छील लेंगे। और यहाँ पर ले लिया है मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और ये बहुत सारा हरा धनिया काट के रखा हुआ है। ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है, इसको हम मिक्सर में थोड़ा सा क्रश करेंगे, बिना पानी डाले इसको थोड़ा क्रश करेंगे। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची थोड़ा ज्यादा ही जाता है, इसी से चटपटा बनता है सैंडविच। बस इस तरह से क्रश करेंगे। एक कढ़ाई ले लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और कड़ी पत्ते। हींग डालेंगे जरा सी। थोड़ी हल्दी, और ये जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को हमने क्रश किया था, इसे भी डालेंगे। नमक जाएगा 1 चम्मच, आंच को कम कर दिया है मैंने, और ये आलू को मैश कर दिया था, बहुत गरम गरम थे तो इस चम्मच से मैंने इसको मैश किया है। आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आंच को स्लो ही रखना है। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालकर भी इसे मिक्स करेंगे। इसका नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर थोड़ा सा और डाल देंगे। मम्मी कब बनेगा? बस अभी बन जाएगा। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, मम्मी जल्दी से बनाओ ब्रेड पकौड़ा। बस इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे।
मिक्सचर को ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है और साइड में चढ़ा दी एक कढ़ाई। इसमें डाल देंगे तेल और अपनी बेटी को लगा दिया है मैंने काम पे ब्रेड कटिंग करने के लिए। इसे कट करना है, करो कटिंग स्लो स्लो नहीं आ रहा, फटाफट वाला करो। जब भूख लगी और जल्दी खाना है तो कुछ काम भी करो। सही बात है। अब इस मिक्सचर को मैं ब्रेड पर लगाऊंगी, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे इसको अच्छी तरह से चारों कोने पर। इस पर रख देंगे दूसरी ब्रेड। चलो फिजा तुम भी ट्राई करो, मेरी बेटी भी कुकिंग सीख रही है। लगाओ लगाओ, अच्छे से लगाओ। चारों कोने तक लगाओ। अच्छे से चारों कोने में लगा दो। देखो एक मिनट ही और लगाओ, आलू कम है, लगा दो। चलो इस पे दूसरी स्लाइस रखो। ये स्लाइस तुमने बराबर काटी नहीं है, देखो साइड में ब्राउन। चलो ठीक है, कोई बात, चिपका दो। ये है मेरी बेटी के हाथ का ब्रेड और ये मेरे हाथ का। अब बेसन में तो तुम लगा के नहीं तल सकती, ये मैं तल लेती हूँ। तो चलो इसे कटिंग करते हैं, तुम भी कर लो कटिंग और मैं भी कर लेती हूँ। ये देखो इस तरह से इसे दो पीस में कट कर लेंगे। और तुम प्लेट पे रख के कटिंग कर लो। ये देखो यू करो खोलो। इस ब्रेड को लेंगे हम और बेसन में डिप करेंगे हल्के हाथ से। सब डाल देंगे तेल में। आंच को मीडियम पर रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ब्रेड पकौड़ा का इस तरह हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे और अब इसे बाहर निकालेंगे।
गर्मा गर्म और कुरकुरे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ब्रेड पकौड़ा। इसे सर्व करेंगे सॉस के साथ में या कोई भी ग्रीन चटनी के साथ में।